हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। आज हम करने वाले हैं स्वराज का फुल रिपेयर और थ्रेसर वगैरह चेंज करेंगे। हमारे फोरमैन वगैरह सब साथ में है और कुछ इस प्रकार का काम चल रहा है अभी। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों हम सारे इसके पल्ले उतारने वाले हैं और अभी हम उतार रहे हैं थ्रेसर पल्ले, जो थोड़ी मुश्किल से उतर रहे हैं और काफ़ी कोशिश के बाद नहीं निकल पा रहे। देख किस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद काफ़ी टाइम लग रहा है वैसे इसमें। तो दोस्तों, हमारे यहाँ रिपेयरिंग अभी चल रही है और इसकी रिपेयरिंग में कम से कम 5-6 दिन लगते हैं वैसे, और फुल रिपेयरिंग कर रहे हैं गेहूँ की तैयारी के लिए। और हम हाँ, तो अगर किसान भाई आपको अगर किसी प्रकार की अगर हार्वेस्टर रिपेयर करने में कोई दिक्कत तकलीफ अगर आ रही हो तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपकी कोशिश करेंगे, आपकी दिक्कत परेशानी का हम आराम से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, गेहूं की कटाई के पहले, सीजन के पहले हार्वेस्टर की पूरी रिपेयरिंग आवश्यक होती है ताकि सीजन में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, काफ़ी मुश्किल हो रही है इस पल्ले उतारने में, क्योंकि हम ये जो थ्रेसर पल्ला है पूरा साथ में उतार रहे हैं। इसके दो भागे होते हैं वैसे, तो हम उसके पूरा साथ में उतार रहे हैं, इसलिए काफ़ी थोड़े दिक्कत हो रही है। यह पल्ले उतारने के बाद हम इस प्रकार उतार रहे हैं, इसमें कम से कम 3 व्यक्ति होना चाहिए ताकि ये किसी के हाथ पैर पर गिरे ना, और काफ़ी भारी होता है वैसे ये पल्ले। और इस प्रकार हम नीचे उसे उतार के रखेंगे और फिर इसमें लगाएंगे 24 नंबर रॉड ताकि इसका स्प्रिंग में जो बेरिंग वगैरह है इसमें ग्रीस अच्छे से करें, इसलिए इसके स्प्रिंग का प्रेशर बहुत होता है, इसलिए इन्हें 24 नंबर रॉड से टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसमें लगाएंगे पुलर, स्प्रिंग के जो बाहर जो पिन रहती है उसको निकालेंगे। स्प्रिंग का प्रेशर बहुत होने के कारण बहुत सावधानी पूर्वक खोलना पड़ता है। और दोस्तों, हार्वेस्टर बहुत अच्छा है वैसे, 2011 मॉडल करीब है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी है और कटाई भी काफ़ी अच्छी निकाल देती है 2011 मॉडल के हिसाब से। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कुछ राट कसते हैं, उसके बाद ये लगाएंगे इसमें कूलर। तो दो देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार हम राट को लॉक कर रहे हैं ताकि ये स्लिप ना हो, इसकी थ्रेड स्लिप ना हो। और देख सकते हैं इस प्रकार हम कूलर लगाएंगे इसमें और जो बीच का कूलर का जो राड होती है उसे निकाल लेंगे, इसकी आवश्यकता में नहीं है। तो उसको देख सकते हैं। अगर आपको भी अगर आसानी या दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप बताइएगा, हमें पूरी करेंगे उससे। दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर चैनल को, शेयर कर वीडियो को। और दोस्तों